अस्सलाम वालेकुम, नाजमस तड़का में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी मिर्च का अचार, जो बहुत ही टेस्टी और चटपटी अचार है। ये भी सर्दियों का मौसम आया है तो इसमें बहुत हरी भरी ताज़ी ताज़ी हरी मिर्ची आ रही है, तो क्यों ना मैंने सोचा हरी मिर्च का अचार बनाया जाए। अगर आप एक से दो रोटी खाते हैं तो इस हरी मिर्च से आप तीन से चार रोटी आराम से खा जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत ही टेस्टी और चटपटी अचार बनने वाली है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आप मेरा चैनल देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ये देखिए, मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ले लिया है इस तरीके से, और ये हरी मिर्च मैंने यहाँ पे पाव किलो लिया है। देखिए हम बाज़ार में इस तरीके से हरी हरी ताज़ी एकदम हरी मिर्च आ रही है, तो ये इस हरी मिर्च का अचार बहुत ही टेस्टी बनेगा। और इसे सबसे पहला आप अच्छे से इसे धो के और अच्छे से कपड़े से, किचन टावल से या तो साफ़ कोई कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ लें और थोड़ा देर हवा में इसे सुखा लें, ताकि इसमें पानी की नमी ज़रा भी ना रहे। और इसे इस तरीके से हमें इसके डंठल तोड़ देना है हरी मिर्च के। इस तरीके से हरी मिर्च के डंठल तोड़ के हम इसे ये दो पार्ट में कट कर लेंगे, चाहे आप छुरी से चाहे कैंची से, आप किसी से भी चीज़ से आप इस तरीके से मिर्ची को दो भाग में डिवाइड कर लें। कैंची से कट करने से क्या है, आपके हाथों में जलन नहीं होगी। ये देखिए इस तरीके से हम सारी मिर्चों को कट कर लेंगे। चलिए ये देखिए, मैंने सारी मिर्चों को दो भाग में लंबे स्लाइस में इस तरीके से कट कर लिया है। हमारी पूरी मिर्चियाँ इस तरीके से कट गई है। और मैंने जैसे कि पहले बताया, मिर्ची को अच्छे से धो के और उसे अच्छे से कपड़ों से पोंछ के और उसे हवा में थोड़ा सा सुखा लें, फिर इसके बाद में आप इस तरीके से दो स्लाइस में मिर्चियों को कट कर लें। तो चलिए हमारी मिर्चियाँ तो कट गई हैं, अब चलिए हम ये हरी मिर्ची के अचार का मसाला बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है इस तरीके से, और इसमें हम डाल देंगे दो बड़े चम्मच सौंफ, और दो बड़े चम्मच मैं यहाँ पे ले ली हूँ काली वाली सरसों, और एक चम्मच मैं यहाँ पे ली हूँ जीरा, और एक चम्मच मैं यहाँ पे ले ली हूँ मेथी दाना। अब इन सभी को हम हल्का सा भून लेंगे। अब इसे हमें इतना भूनना है कि ये इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और ये हल्की सी तड़क के फूट के अच्छे से भून जाए। इसे हमें जलाना नहीं है मसालों को, बस धीमी आंच पे हमें इसे भून लेना है। चलिए इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है मसालों में। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। चलिए अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और चलिए ये देखिए, मैंने यहाँ पे तड़के वाले पैन में मैंने यहाँ पे तेल ले लिया है, और ये तेल को हमें एकदम धुआंदार गरम करना है। ये यहाँ पे मैंने तेल लिया है राई का, सरसों का तेल है, ये मस्टर्ड ऑयल है, और हमें अचार वगैरह में यही तेल डालना होता है। तो और इसमें इस अचार में, कोई भी किस्म के अचार में हमें रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, राई का ही तेल का इस्तेमाल करना है। अब ये तेल को हम एकदम धुएँदार होने तक एकदम गर्म कर लेंगे। चलिए देखिए तेल हमारा एकदम अच्छे से गर्म हो गया है, और मैंने गैस को यहाँ पे स्लो कर दिया है। देखिए तेल में से एकदम अच्छे से धुआं निकल रहा है। अब इसमें तेल में ही हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हींग डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अचार में। और गैस को हम कर देंगे बंद और तेल को इसी तरीके से हम थोड़ा देर के लिए ठंडा होने देंगे। एकदम गर्मा गर्म अचार में हमें मिक्स नहीं करना है, तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद हम मिक्स करेंगे, जब तक कि हम अपने ड्राई मसालों को पीस लेते हैं। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे एक मिक्सी जार लिया है और ये हमारे मसालों को जो हमने भून के रखा है ये इसमें डाल के, चलिए ये देखिए मिक्सी जार में मैंने मसालों को डाल दिया है। अब इसे हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे, एकदम दरदरा सा। चलिए आइए देख लेते हैं। ये देखिए हमारा मसाला रेडी है,
ये हमारे अचार का मसाला। और ये देखिए मैंने इस तरीके से ये दरदरा ही पीसा है। इसी तरीके से हमें रेडी करना है मसाले को। अब हम अपनी मिर्ची ले लेंगे कटी हुई, और ये जो मसाला हमने रेडी किया है ये पूरा मसाला हम इसमें डाल देंगे। और ये मसाला डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है यहाँ पे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारे अचार में। और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा कलौंजी, मंगरेल जिसे कहते हैं। और यहाँ पे मैं ले ली हूँ थोड़ा सा सरसों, राई का दाल आती है वो मैंने यहाँ पे ले ली हूँ, अचार में बहुत अच्छा आता है लगता है ये। और जो हमने अब ये तेल गरम करके रखा है राई का, वो इसमें हम डाल देंगे। और सब इन मसालों के साथ में अब अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे, और बहुत ही टेस्टी ये हमारा अचार बनके इस तरीके से रेडी होता है। और इसे हम तुरंत ही खा सकते हैं, इसे हमें रखना इंतज़ार करना नहीं है, ये हम अचार ये झटपट से बना रहे हैं, और बहुत ही टेस्टी अचार जो इसे हम तुरंत ही खाना शुरू कर सकते हैं। और इस तरीके का अचार आपको बहुत ही बेहद पसंद आएगा, और इस तरीके का अचार आप ज़रूर बनाएं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा अचार मिर्ची का ये बनके रेडी हुआ है। और अब इसमें हम डाल देंगे ये सफ़ेद विनेगर, जो हम चाइनीज़ वगैरह में डालते हैं ना, ये वो वाला वो विनेगर है। मैंने यहाँ से 2 से 3 चम्मच इसमें विनेगर डाल दिया। ये डालने से क्या होएगा, हमारे अचार में थोड़ा सा खट्टापन भी आएगा, और हमारे अचार ये विनेगर डालने से जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और विनेगर इसमें ये जल्दी से अचारों को ख़राब होने नहीं देता है विनेगर वगैरह। तो इस तरीके से हमें 2 से 3 चम्मच अचार में डाल देना है, और इससे खट्टापन भी स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। और इसे भी डालने के बाद अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। चलिए देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा मसाला अचार में। और देखिए माशाल्लाह मिर्चियों में कितने बढ़िया से मसाले एकदम अच्छे से लग गए हैं। तो चलिए बस अब हमारा ये अचार रेडी है, अब इसे हम जार में डालेंगे। चलिए ये देखिए मैंने एक यहाँ पे एक छोटा सा कोयला इस तरीके से गर्म किया है, और इस पर हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग। ये थोड़ा सा हींग डाल देंगे हम इसमें, और इसे हम जो जार में हमें अचार रखना है इस तरीके से हम इसे धुएँदार कर देंगे। इस तरह करने से क्या होता है कि हमारे अचार के ख़राब होने के चांसेस कम रहते हैं, हमारे जो अचार में कभी कभी फंकस फूंदी लग जाती है वो नहीं लगती। तो इस तरीके से अच्छे से इसमें पूरा धुआँ भर जाना चाहिए, इस तरीके से हमें जार को रेडी करना है। चलिए अब हम इस तरीके से उठा लेंगे, ये देखिए माशाल्लाह अब ये जार हमारा अचार सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। अब इस तरीके से जार को रेडी करने पे अब साल दो साल आप अचार रखें तो इस तरीके से आपके अचार में फफूंदी या फंकस नहीं लगेंगे, और एकदम अच्छा आपका अचार बना हुआ रहेगा। इस तरीके से हमें जार को रेडी करना है। चलिए अब हम अपने जार में इस तरीके से अचार डालेंगे। तो चलिए ये देखिए बहुत ही बेहतरीन और चटपटा टेस्टी हमारा अचार रेडी है। और इस तरीके से हमने ऊपर से और तेल डाला है, और अचार वगैरह में जितना तेल रहेगा उतना ही अच्छा हमारा अचार बनके रेडी रहेगा और ख़राब नहीं होएगा जल्दी। ये देखिए हमारा मिर्ची का बहुत ही बेहतरीन अचार रेडी है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना ना भूलें। इसी के साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।